जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। पहाड़ी तहसील से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अलवर एसीबी सलेह मोहम्मद की टीम ने कार्यवाही करते हुए जेटीएएमडी खान को ट्रैप किया है। जानकारी के अनुसार पहाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत घाटमीका के पूर्व सरपंच इकबाल से जेटीएएमडी खान ने बिल पास करने की एवज में 35,000 रुपए मांगे थे, जिसके चलते पूर्व सरपंच इकबाल खान ने 30,000 से सौदा तय कर लिया और एसीबी की कार्यवाही करा दी। आपको बता दें कि एमडी खान ने ग्राम पंचायत घाटमीका के पुराने कार्य की सीसी देने के एवज में 35,000 रुपए मांगे थे, जिसका सौदा 30,000 रुपए में तय हुआ था, जिसके चलते पहाड़ी पंचायत समिति परिसर में एसीबी की टीम ने जेटीए एमडी खान को दबोच लिया है। विवादी इकबाल हैं पूर्व सरपंच घाटमीका के। उन्होंने एसीबी में 3 मार्च को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने सरपंच काल में नवंबर 2019 के अंदर काम करवाए थे पंचायत में, जिसमें नरेगा का काम था और कुछ सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग सड़क के काम थे। इसके लिए नरेगा के काम का भुगतान इसने करवा दिया था एमडी खान ने जेडीए ने, और उसके लिए वो 35,000 रुपये मांग रहा है और उसके लिए वो सीसी जारी नहीं कर रहा है उसके द्वारा करवाए गए कार्य की। इस पर हमने रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया 6 तारीख को। तो एमडी खान से यहाँ पंचायत समिति में परिवादी की बात हुई तो एमडी खान ने 35,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की और 30,000 रुपये लेने के लिए वो तय हुआ, जिस पर हमने आज रेप कार्रवाई का आयोजन किया गया था। परिवादी से पंचायत समिति के अंदर एमडी खान ने 30,000 रुपये लेकर अपने पहनी हुई पैंट की पीछे की जेब से रखे थे, जहाँ से हमने बरामद कर लिए थे और रेप कार्रवाई जारी। इसी के साथ जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।